क्लास 10th डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड, नाम से आपको पता चल रहा है, इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है, रिएक्शंस के तरीके देखा करिए, ये देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कार्बोनेट इज हीटेड, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, उसको हीट करिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ओके, CaCO3 आपने लिया और इसको हीट करिए, जब आप इसको हीट करेंगे तो इट विल स्प्लिट इनटू टू कंपाउंड्स, क्या क्या बनेगा बताइए, यस, जब भी कार्बोनेट होता है तो मैंने आपको बताया कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से CO2 निकाल दीजिए, C निकाल दीजिए, 2 O निकाल दीजिए, क्या बचेगा, CaO, ठीक है, तो CaO बन गया। नाउ अब फेज लिखना शुरू करिए, ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या था याद है, जो आप दीवार में व्हाइट वॉश करते हैं चूने से, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती, बताया था, ये वो है, वापस से आपको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, जो कि ऑल्सो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और CO2 कौन से फॉर्म में मिलेगी, गैस के फॉर्म में, तो ये मेरे को शायद लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्या बोलते हो, लाइम, ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट है ये जिसको आप क्या बोलते हो, लाइम स्टोन, याद रखिएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, लाइम स्टोन, इज इट बैलेंस, यस बैलेंस, क्योंकि यहीं से तो CO2 निकाल के वहां रखा था और CaO बचा था, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। नाउ एक और हम देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, ठीक है, तो आप यहाँ पे हीट ही दे रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा रिएक्शन, यहाँ आप हीट दे रहे हो तो ये स्प्लिट हो गया दो प्रोडक्ट्स में, ओके, तो डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, तो एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है। और एग्जांपल देखिए इसका, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ बताइए, नो, मैंने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं पूछा है, मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड पूछा है, मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है, Mn, ओके, बताइए क्या होगा, MnO2, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड इज MnO2, ओके, देखिए मैंने आपको पीछे भी कराया हुआ है, जिसमें कि आपको कंडीशंस लिखनी होती थी, उसमें आपने MnO एज अ कैटलिस्ट कहीं पे यूज किया था, MnO2 व्हेन पोटेशियम क्लोराइड वाज और ब्रेक इनटू KCl एंड O2, पीछे कराया है, सेम रिएक्शन है, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल था, मैं बार-बार बता रहा हूं आपको, वही रिएक्शन देखिए रिपीट हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला पता है ना, पोटेशियम क्लोराइड का कैसे बनता है, पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में, इसलिए क्या होगा K+, और जो मैंने आपको लिस्ट दी है क्लोरेट का आयन का फॉर्मूला होता है ClO3-, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या बन जाएगा KClO3, तो इसका नाम क्या, पोटेशियम क्लोरेट, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ओके, इसको आप हीट करेंगे, हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, व्हाट इज MnO2, यस, मैग्नीज डाइऑक्साइड व्हिच इज बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट, क्या क्या बन जाएगा बताइए, याद है आपको, KCl और ऑक्सीजन, KCl प्लस ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म, पोटेशियम क्लोराइड इज इन सॉलिड फॉर्म, एंड ये भी किसमें था, सॉलिड फॉर्म में, बैलेंस करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इससे नहीं मतलब है, MnO2 से ये कैटलिस्ट है, यहाँ 3 लगाएंगे, 3 2 6, ओके, और यहाँ क्या लगा देंगे, 2 2 3 6, तो यहाँ क्या लगा देंगे, तो दिक्कत है, ये एग्जांपल है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ध्यान रखिएगा, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन
ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने के लिए हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। सबसे पहले देखिए, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का क्या मतलब है? ओके, देखिए FeSO4.7H2O, इसका क्या मतलब है? सेवन वाटर के मॉलिक्यूल इसमें लगे हुए, जिसको आप क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल्स के हमेशा कलर होते हैं, क्रिस्टल्स के हमेशा क्या होते हैं? कलर। ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है FeSO4.7H2O और उसका कलर होता है ग्रीन। याद रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ेगा? हेप्टाहाइड्रेट। ये हेप्टाहाइड्रेट है, हेप्टा क्यों? हेप्टा किसके लिए लगाते हैं? सेवन के लिए, सेवन वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, या सिंपली आप क्या बोलोगे? This is hydrated ferrous sulfate, ठीक है? Heptahydrate ferrous sulfate, या फिर simply क्या बोलेंगे आप इसको? Hydrated ferrous sulfate, okay? पहले तो ये हमने देख लिया, colors का green, याद रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, अब इसकी रिएक्शन देखिए क्या होता है। आप इसको डीकंपोज कर दो, जब हीट देखे तो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होता है, ये जो FeSO4 है .7H2O और याद रखिएगा साथ में कॉपर सल्फेट .5H2O होता है। ठीक है, वो पेंटाहाइड्रेटेड होता है, कौन? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हाइड्रस कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। वैसे तो साल भर बात होती रहेगी, बार बार आएगा ये, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये बताइए, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है या हाइड्रेटेड है? हाइड्रेटेड है। सबसे पहले जब आप इसको हीट करेंगे तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको आप क्या बोलते हो? सेवन मॉलिक्यूल, इसको आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप फिनर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कॉपर सल्फेट का, सॉरी फेरस सल्फेट का पाउडर रखा रहता है, उसको जैसे ही वाटर की क्रिस्टल, सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो अपना कलर चेंज कर देता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के क्या होते हैं? कलर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, चलिए बता ही देता हूं। लास्ट ईयर भी शायद मैंने डिस्कस किया था, जैसे ही ये अपना क्रिस्टल बनाएगा, याद रखिए क्रिस्टल का एक वेल डिफाइंड क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, और आप अभी रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे आगे चल के लाइट वाले चैप्टर में, कि जब लाइट पड़ती होगी क्रिस्टल्स पे, ओके, तो वो उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक कलर को ये रिफ्लेक्ट करते होंगे, इसलिए उसी कलर के दिखते हैं। तो फेरस सल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन के आता होगा, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें स्पेस में फेरस सल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आता होगा, वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? ग्रीन। इसलिए आपको कौन सा कलर का दिखता है? वो ग्रीन कलर का। ओके, बहरहाल तो स्टेप नंबर वन में जैसे आप इसको हीट देंगे तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से निकल जाएंगे, 7H2O बाहर हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये तो वेपर बन के उड़ गया गैस के फॉर्म में। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो फेरस सल्फेट आपके पास बचा है, ठीक है,
ये फेरस सल्फेट आपके पास बचेगा एक पाउडर के फॉर्म का, ठीक है, इसको आप फर्दर हीट करोगे तो यू विल गेट, आप इसको हीट करिए तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ध्यान दें, फेरिक ऑक्साइड को बनाने का तरीका देखिए जरा, फेरिक ऑक्साइड मैंने बोला है क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सुनिए, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने का तरीका देखिए। पहली बात इसका कलर देखिए, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा आपको, ब्राउन कलर। फेरिक ऑक्साइड बनाने का मैंने आपको बताया था Fe2+ क्या होता है, फेरस, अस, कम होगा चार्ज तो क्या बोलेंगे उसको, अस, फेरस, और Fe3+ होगा तो क्या होगा, फेरिक। यहां क्या बनने जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड। तो फॉर्मूला बनाइए, फेरिक के लिए क्या लगाएंगे, टिक के लिए Fe3+ और ऑक्साइड के लिए O2-, याद है O2-, ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। लिस्ट मिली हुई है उसमें लिखा हुआ है ये सब, जिनको नहीं पता है लर्न करते हुए चले। ये क्या बना देगा, Fe2O3, क्या फॉर्मूला बना देगा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, और सुनिए, साथ में आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। ओके, कोई दिक्कत है, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस। बैलेंस करिए, ऑक्सीजन देखिए, 3+3 कितना हो गया, 6+2 8, ठीक है, तो 8 करने के लिए ऑक्सीजन को इधर 4 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस हो गया। आयरन भी कितने हो गए, 2, या तो अगर आपको रूल से करना था तो आप रूल से कर लीजिए। सबसे पहले किसको देखते हैं, पॉलीटॉमिक, पॉलीटॉमिक है नहीं इसमें कोई, फिर मेटल को देखिए, मेटल कौन है, आयरन, फेरस, इधर वो फेरस था, इधर क्या बन गया, फेरिक, ठीक है ना, इधर फेरस कैसे था, ब्रेक करो इसको, Fe2+ होगा तभी तो सल्फेट 2- के साथ आया होगा, क्या बनाया होगा, FeSO4, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा। हाँ, तो मेटल इधर 2 था प्रोडक्ट साइड में, तो इधर 2 करने के लिए 2 जैसे ही लगाओगे बैलेंस हो जाएगा, करके देख लीजिए आप। सल्फर भी कितने हो गए, 1+1 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 8, ये देखिए 3+2 5+3 8, कोई डाउट है। तो ये आपका एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हीट दिया है आपने, तो ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, कोई डाउट है, हां, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, हाँ भाई, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, PbNO3 होल ट्वाइस, कैसे बना, लेड पे 2+ और नाइट्रेट पे NO3 सिंगल माइनस, 1-, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ओके, और कलरलेस होता है, कलरलेस, मैं दिखाऊंगा आपको सारी रिएक्शंस, इसको आप हीट करोगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा लेड ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड में, किसमें, लेड मोनो ऑक्साइड। फॉर्मूला बताइए लेड मोनो ऑक्साइड का, लेड 2+ ऑक्सीजन 2-, ये इधर क्या बन जाएगा, Pb2O2, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, PbO नाम लेड मोनो, एक ऑक्सीजन है, लेड डाइऑक्साइड भी बनाता है, लेड मोनो ऑक्साइड, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और इसका कलर देखिए जरा, येलो होगा, ओके, और सुनिए साथ में और भी कुछ मिलता है वो भी आपको याद रखना है। ये जो नाइट्रेट आयन है ना, जैसे कि कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी, वैसे ही नाइट्रेट आयन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कौन सी मिलेगी, समझ में आता है बात, जैसे कि CO3 जब कहीं होता था, कार्बोनेट से कौन सी गैस मिलती थी आपको, बोलिए, CO2 गैस, उसी तरीके से आपका कहीं नाइट्रेट आयन अगर प्रेजेंट होगा
तो आपको मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से NO क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन, और NO2 क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में मिलेगा, याद रखिएगा सब कुछ, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आपको एक और गैस मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, नाउ बैलेंस करिए, किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द मेटल, हु इज मेटल, लेड, पीवी जो कि ट्रांजिशन मेटल में आता है, पीरियोडिक टेबल में देखिए। ओके, तो लेड इज अ मेटल, लेड को बैलेंस करने के लिए इधर कितने, वन, इधर भी कितने, वन बैलेंस। फिर किसको बैलेंस करेंगे, इसमें आपका मेटल कौन है, लेड, तो पहले बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सॉरी नॉन मेटल को बैलेंस करना है, किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर आप बैलेंस करने चलोगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, इसलिए आप ये वाली रिएक्शन में ध्यान रखिए, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर टू है, इधर क्या है, टू टू फोर प्लस वन फाइव, इधर कितना है, टू थ्री जा सिक्स, तो इसको सिक्स बनाने के लिए इसको भी नहीं डिस्टर्ब करना है, इसको भी नहीं करना है, ये वन है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। अब हो गया टू प्लस टू प्लस टू कितना हो गया, सिक्स, टोटल सिक्स हो गया। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, सिक्स, लेकिन लेड कितना है, टू, तो इधर कितने करोगे, टू से। ऐसा करते ही नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, टू, और टू टू जा, ऐसे कर लो, टू टू जा फोर, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, फोर, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, फोर। अब चेक कर लीजिए बैलेंस हो गई है, बैलेंस कैसे, टू थ्री जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व ऑक्सीजन। ठीक, इधर देखिए, टू फोर टू जा एट, टेन ऑक्सीजन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, नाइट्रोजन देखिए फोर, नाइट्रोजन देखिए टू टू जा फोर, लेट देखिए टू, लेट देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिखेगा। ओके, कोई डाउट है इसमें, हाँ, नेक्स्ट देखिए, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, बस इसका मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं और मैं इसको एक्सप्लेन आपको बाद में करूंगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कब कर दूं इसको, अभी देखिए टाइम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नाम से ही पता चल रहा है, इधर देखिए इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइसिस मींस ब्रेक करना, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना वाटर को। ये देखिए रिएक्शन पहले लिखिए, H2O में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये गैस के फॉर्म में मिलता है, ये भी आपको गैस के फॉर्म में मिलता है। ओके, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको आराम से, इधर ऑक्सीजन टू है, ये लिक्विड फॉर्म में वाटर, ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इससे पहले मैं आपको देखिए बताता हूँ, लाइट की हेल्प से भी डीकम्पोजिशन होता है उसको देखिए। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में भी कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, उनको देखिए, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ag+ और Cl-, तो क्या हो जाएगा, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज व्हाट, AgCl, सन, ये कौन सा कलर का होता है,
सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, याद रखिएगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डीकंपोजिशन होता है और ये बना देता है सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, जो कि ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। ये सिल्वर आपका बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में ग्रेइश व्हाइट, ओके। और साथ में आपको मिलेगा क्लोरीन गैस Cl2, क्लोरीन गैस, ओके। अब बैलेंस कर लीजिए, ये सिल्वर मिला है आपको ग्रेइश व्हाइट का, ओके। सिल्वर बैलेंस करिए, उधर क्लोरीन 2 है, इधर 2 लगा देंगे, फिर सिल्वर को बैलेंस करेंगे, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि एक पेल येलो कलर का सॉलिड होता है, AgBr का भी फॉर्मूला जैसे सिल्वर क्लोराइड है वैसे सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं तो ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो जैसा सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वैसा ही ब्रोमीन के साथ, क्योंकि इन पे सब पे कैसे चार्ज होते हैं, 1 माइनस 1 या 1 माइनस, इन सब पे भी क्या होते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ओके। तो इसलिए ये देखिए Ag प्लस और Br माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag नाम सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि ये वाली जो फैमिली है ये मेटल के साथ मिलके अपने हैलाइड बनाती है, क्या बनाती है, सिल्वर क्लोराइड था तो वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब ये साल भर आप लोग देखते रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्यचकित मत करिए कि हैलाइड क्या होता है, क्या बनता है, कैसे, वो हम देखेंगे, अभी जो कर रहे हैं वो देखिए, ठीक है। तो AgBr को आप लाइट में रखोगे तो ये डीकम्पोज हो जाता है और सेम वैसी रिएक्शन देता है, ये सिल्वर आपका बनेगा ग्रेइश व्हाइट कलर का, अगेन ग्रेइश व्हाइट, ओके, सिल्वर प्लस ये सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या मिलेगा आपको, Br2 ब्रोमीन गैस, ओके। और ये क्या था, बैलेंस कर लोगे आप सेम वैसे ही, ये कौन सा कलर था, ये पेल येलो, सिल्वर ब्रोमाइड कैसा कलर का है, पेल येलो, ओके, मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए,